बात बताइए, मोहब्बत हुआ था आपको कभी? उनके लिए कौन सा गाना गाते थे? जाए चंदा तो अभी आया है। वो गाना तो अभी आया है। उस समय हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। मान लीजिए अपने हाथों से चाय पी, शर्म पी के जाइए। क्या पी के जाइए? चाय पी कर जाइए सर। चाय पी के जाइए जी सर। हाँ, फिर से बाबा, फिर से रिवर्ट कीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसे बड़ी मोर जानू, हल पल गोदिया में खेलत रहली, देखनी हमार जब देखनी सुरतिया, भइल बहुत परेशान। जाए चंदा ले खबरिया। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। ये गाना कहाँ सुनते हैं बाबा? हम थोड़ा बैठ जाएं कुर्सी पे। कहाँ सुनते हैं बाबा ये गाना? सर दुकान में रह गा रहे थे। दुकान में रह सर गा रहे थे। दुकान पे जी। कौन सी दुकान पे? जय स्वामी ठंग भंडार कसर निवासी। तो फिर यहाँ कैसे आ गए जी? यहाँ कैसे आ गए? यही हमारे साथ घर द्वार है, जो माई बाप है बस यही है। आपके अपने बच्चे? हमारी शादी हुई भी नहीं किया सर। अच्छा, क्या क्या है? इसीलिए ये गाना निकल रहा है। जाए चंदा ले आवा खबरिया। किसका खबर आप बाबा बुढ़ापे में आप निकल? अरे ऊपर भगवान को। हाँ, और सुनाइए बाबा कुछ एक आख। और कोई पुरानी गाना सुनाइए। दुपट्टा वाला। कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से, दुपट्टा दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। अच्छा सर, बाबा इस उम्र में भी है थोड़ा फीलिंग धड़कता है? अरे बस आपके आशीर्वाद और आपकी दुआ, इसके सिवा मेरे सब कुछ हो ही नहीं सर। जी, तो यही आपका घर भी है जी? कासिया निवासी। शादी नहीं की कभी? नहीं, शादी नहीं की। क्यों? मिली नहीं है आपके सपनों? मिलने की बात अलग और करने की बात अलग है। हाँ। मुझे लोग मार के भगा दिए। अच्छा, घर वाले जी? हाँ। दो ही लाइन सुना रहे हैं बाबा। जब तक गाना कान तक पहुंच रहा है तब तक खत्म हो जा रहा है। जो पूरा याद हो उसको गाएं। यादें लिखे हैं गानों में, याद गए कोई परेशानी बा। मोहम्मद रफीक वाला जो गाते हैं। मोहम्मद रफी का? अरे वाह, कौन सा गाना है गाते हैं? कौन सा मोहम्मद रफी का चाचा? वही बताऊंगा क्या, बताइए आप। दिल टूट के, रुकिए एक मिनट, कौन था बाबा? अरे वाह, वो तो मेरा फेवरेट गाना है चाचा। अजी रूट के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूट के। बहुत बढ़िया, बहुत चाचा। कौन था वो बाबा को दिखा, कौन था बाबा? अच्छा अच्छा, है जाने बफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, है जाने बफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। पता है लता मंगेशकर का कौन था? कौन था चाचा लता मंगेशकर का? कौन था? ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शरीर हुए मुझ पे ओ जुल्म करो। भुला गई। अच्छा सर, कोई बात नहीं चाचा, बहुत सही है। और एक उम्र हो गया चाचा आपका, अगर आप भूल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, गलती क्षमा कर दीजिए। हम कौन होते हैं चाचा क्षमा करने वाले? देखिए
चाचा की उम्र हो गई होगी कम से कम 80-85 की उम्र हो गई होगी, तो ये 80-85 की उम्र में भूल जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग 35 की उम्र में भी बहुत कुछ भूल जा रहे हैं। वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि कौन पैदा किया है, कौन खिलाया है। तो आप इस उम्र में भूल रहे हैं बाबा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं बाबा। सबसे बढ़िया वाला कौन सा लगता है बाबा? सब बढ़िया लगता है। अच्छा एक बात बताइए, मोहब्बत हुआ था आपको कभी, उनके लिए कौन सा गाना गाते थे? उनके लिए कौन गाना? जाए चंदा, तो अभी आया है वो गाना, तो अभी आया है उस समय। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांसी महबूबा हो मेरे दम ऐसा मैंने सोचा। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। बहुत बढ़िया। पता है, इस वाले आश्रम में आके ऐसा मुझे लगता है कि उम्र के एक पड़ाव में मैं भी वृद्धा आश्रम ही आऊंगी, क्योंकि इसलिए पता नहीं, मुझे लगता है कि एक एज के बाद हमें अपने उम्र के लोगों के साथ रहकर जिंदगी काटनी चाहिए। अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जब अपने उम्र के लोग मिलेंगे तो अपने टाइप के होंगे, मतलब हम अपनी चीज़ें उनसे डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि जितना तेज़ी से विकास हो रहा है, एक समय बाद हमारे बच्चे भी हमसे वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे जो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। चाचा, मज़ा आता है इस उम्र के लोगों के साथ में अपने उम्र। अरे, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआ हमारे साथ है ना। हम आपको कैसे देंगे चाचा? अरे, आप हमको दीजिए। अरे सर, ये हमको दीजिए चाचा। अरे अरे, हम आपकी बात मान रहे सर। हाँ, काम वरना कर पाएंगे आपकी आशीर्वाद। हाँ, ये सब आपके आशीर्वाद है और ये भैया लोग दिए ना कि ठीक है। अच्छा, वो भी अच्छा गाते हैं चाचा, तब यहाँ मतलब मजा तो आ रहा है। आप भी गाते हैं चाचा? नहीं, हम गाते नहीं है। हाँ, गाते नहीं आप, हम याद दिलाते हैं। हम याद दिलाते हैं बस। हाँ, उनके गाने याद दिलाते हैं। अच्छा, वो आपके दोस्त हैं? हाँ, यहाँ सभी दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं, आप आएंगे तो आप भी दोस्त हैं। ये अच्छा लगता है इन सबके साथ मुझे भी। हम भी झांसी से हैं और झांसी से यहाँ पे हूँ। अच्छा, और एक्चुअली वृद्धाश्रम का इंचार्ज देख रहे हूँ मैं यहाँ की। एक तरीके से परिवार से दूर तो आप भी हैं। हाँ, परिवार तो यही मेरा परिवार है। कहाँ किसको नसीब होता है एक माँ बाप का। मुझे इतना नसीब है कि इतने सारे लोग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और इन लोगों के साथ बड़ा खुश रहती हूँ। अच्छा लगता है, कभी डांटती भी हूँ, कभी प्यार से बोलती भी हूँ, कभी समझा देती हूँ, कभी तो जैसे होता है कि एकदम बाहर जाते हैं, आते जैसे गले से लिपट जाते हैं एकदम कि अरे कहाँ, अगर कभी घर चले जाऊँ, आऊँ घर से, इतने दिन बाद आई हैं, कहाँ गई थी ये, तो हमें भी मतलब छोड़ के जाता हुआ नहीं अच्छा लगता है। बच्चे हैं आपके अपने? हाँ, एक बेटा है। झांसी की रानी है? वाह चाचा, आपके लिए झांसी की रानी है ये? हाँ, हमारे झांसी की रानी है। बहुत बढ़िया, बेटी जैसी लगती है चाचा आपको। हाँ, वो तो है ही। ये क्या, सभी स्टाफ हमारे लिए बेटा बेटी जैसे हैं। आपको झांसी की रानी बोल रहा है? हाँ, सब लोग मुझे एक्चुअली सब लोग बोलते हैं कि झांसी की रानी, झांसी की रानी है जी। ये आशीर्वाद ही है, इतने लोगों का आशीर्वाद कहाँ किसको मिलता है। शायद हमने कोई पुण्य किए होंगे जो इतने लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और यहाँ नहीं तो जॉब तो कहीं भी किसी को मिल जाती है, पैसा कहीं भी कोई भी पा सकता है। लेकिन एक होता है कि जहाँ अच्छा लगे, जहाँ मन हमारे पास। लेकिन एक ये भी है कि किसी से दो माता पिता नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। जी जी, नहीं मुझे भी ये लोग कभी कभी जैसे तुरंत कहेंगे तुरंत होना चाहिए, तो एक समझाने में, फिर वो करने में, या अगर वो चीज़ तुरंत नहीं हुआ तो हमें भी समझाना पड़ता है। नहीं, डांटते नहीं हैं बस, अरे ये हुआ नहीं है, अभी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक, अभी हो जाएगा, अभी बुलाते हैं। अगर टीवी अगर एकदम खराब हो जाए, टीवी लगा हुआ है, अगर खराब हो जाए तो फिर अरे अभी टीवी सही नहीं हुआ है, आज हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। अब मिस्त्री को बुलाने में, उसको आने में समय थोड़ा लगता ही है, तो फिर समझाएंगे। ये लोग ये आता है शाम के, एक भजन चलता है, वो देखते हैं। कोई सीरियल जैसे फिल्मी गाना बजवाए कीजिए कभी कभी, एक घंटा तो होना चाहिए फिल्मी गाना। एक द्वारकाधीश प्रोग्राम आता है शाम के, वो देखते हैं ये लोग। और कौन से वो है, हाँ आते हैं, वो सुनते हैं। हम लखनऊ सीतापुर से हैं जी, सीतापुर से आए हैं। हमें यहाँ 5-6 महीने हुआ है करते हुए भी। तो आप लोग यहीं रहते हैं? मतलब हम लोग नहीं, यहीं रहते हैं और बीच में घर भी जाते हैं। हाँ,
ऐसे तो कभी ये घर चले गए, कभी मैं घर चले गई, कभी एक और है, स्टाफ और स्टाफ एक और स्टाफ लेडीज है, और हमारे ये सब लोग साथ ही तो रहते हैं। विकास श्रीवास्तव जी हैं जो हमारा यहाँ अकाउंट का काम देखते हैं सारा, और बाकी और चार केयर टेकर हैं जो वृद्धों की उसमें सेवा में लगे होते हैं, और रसोईया हैं जो सुबह के अलग आएंगे खाना बनाने के लिए, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे। शाम की अभी गई है तो अभी चाय होगा, नाश्ता होगा, और हर संग वो उसको मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड होता है, सब लोग बैठते हैं, भजन करते हैं, स्टाफ हमारा बैठता है, खुद सुंदरकांड करते हैं सब लोग, बड़ा अच्छा लगता है।